हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हमारे विंडोज़ जो कंप्यूटर और लैपटॉप रहते हैं उनका जो कंप्यूटर नेम और डिवाइस नेम जो रहता है वो अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। ओके, तो जैसे आप सेटिंग्स में आते हो तो आपको यहाँ पे जो है सिस्टम में जाना है। देन आपको यहाँ पे जो है लेफ्ट वाले ड्रॉप डाउन से नीचे आना और यहाँ पे अबाउट करके एक ऑप्शन है वो चूज़ करना। तो जैसे आप अबाउट में जाते हो तो उसके बाद जो आपको डिवाइस के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइस नेम जो है, ये जो आपको आपका डिवाइस नेम है जिसको चेंज करना है, तो इसके लिए आपको रीनेम दिस पीसी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप रीनेम दिस पीसी करोगे तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर करंट पीसी नेम जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको आपका न्यू पीसी नेम डालना है, ठीक है। और यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हाइफन एंड नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कोई भी अदर जो चीज़ है वो यूज़ नहीं कर सकते, आपका जो भी आपका नया पीसी नेम डालिए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपका पीसी नेम चेंज होगा, बट उसके लिए आपको एक बार से आपका लैपटॉप को रिस्टार्ट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।